हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिहार की आंगनवाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की। सेविकाएं रुचि के साथ ट्रेनिंग ले रही हैं, लेकिन इनके मन में एक भाव सदैव बना रहता है कि आखिरकार सरकार इनसे इतना ज़्यादा काम लेती है, फिर इनके मानदेय की ओर क्यों नहीं ध्यान देती है। सरकारें चाहे सेविकाएं जितना भी आंदोलन कर लें या जितना भी मांग कर लें, पर सरकारें बिल्कुल इनकी ओर ध्यान नहीं देती। इनका मानदेय अल्प से अल्प बना हुआ है और कार्यों की बात मत पूछें, कार्यों के बोझ तले तो ये दबी हैं और ऐसी दबी हैं कि काम में ये ना तो खाने का ध्यान रख पाती है और न ही अपने बाल बच्चों का ख्याल कर पाती हैं। काम ही काम, सख्त आदेश आते हैं कार्यालय से और करना पड़ता है इनको उन कार्यों को पूरा, लेकिन सदैव घर के आर्थिक स्थिति की चिंता भी इनके अंदर बनी रहती है। ना बाल बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दिला पाती हैं, ना अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाती हैं, ना बीमार पड़ने पर सही ढंग का इनको इलाज मिल पाता है। पर सरकार की ओर से आदेशों की कमी नहीं है, कार्य तो ये सरकारी कर्मी के बराबर की करती हैं, परंतु सरकार इनको अंशकालिक कार्यकर्ता मानती हैं और मिनिमम मजदूरी जो तय किया है सरकार ने, इसकी भी ये हकदार हैं, ऐसा सरकार नहीं मानती। जबकि इनके कार्यों को आप देखेंगे तो तकरीबन घर और बाहर के कार्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो 8 घंटे से ज़्यादा ही काम करती हैं ये महिलाएं। मजबूरी है इनकी इस कार्य को करना, क्योंकि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जिस क्षेत्र में ये हैं उस क्षेत्र में रोजी रोजगार के अन्य साधन नहीं हैं, जिसका लाभ सरकारें उठा रही हैं और अल्प मानदेय में इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा लेना चाहती हैं। पता नहीं सरकारों के अंदर मानवता कब आएगी और कब वो इन सेविकाओं के दर्द को समझेंगे कि इनके भी परिवार हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनकी भी ज़रूरतें हैं। और जब ये दिन रात काम करती हैं तो कम से कम अन्य सरकारी कर्मियों की तरह इनका भी मानदेय उतना होना चाहिए जितने में इनका घर परिवार चल पाए। पर पता नहीं हमारी सरकार को क्या हो गया है कि पता नहीं कब की दुश्मनी है इन महिलाओं से, जो इनके मजबूरी का लाभ ले सरकार इनको सताए जा रही है और अपना काम निकलवाए जा रही है, लेकिन जो चिंता इनके अंदर है अल्प मानदेय और घर परिवार में आ रही आर्थिक परेशानियों को लेकर, ऐसे में कितना परफॉर्मेंस इनका अच्छा हो पाएगा, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो देखिए आगे किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है और क्या सिखलाया जा रहा है सेविकाओं को कि कैसे प्री स्कूल के बच्चों को इनको शिक्षा देनी है। लाइट कौन चाहिए होंगे भाई?
मम्मी छोटी सी गुड़िया बना दो ना, गिनती पहाड़ा सिखा दो ना, उसको गिनती पहाड़ा सिखा दो ना। आप भी मनी हाथ खिलाइए बोल गुड़िया, बोल गुड़िया ए, बोल गुड़िया दो, बोल गुड़िया दो, गुड़िया गई सो, गुड़िया गई।